हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम रॉबिन्सन क्रूसो नाम के चैप्टर के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर आप रॉबिन्सन क्रूसो चैप्टर के फर्स्ट पार्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज फॉलो द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। रॉबिन्सन क्रूसो चैप्टर के पहले भाग में हमने यह पढ़ा था कि कैसे रॉबिन्सन क्रूसो का जहाज एक समुद्री तूफान में पूरी तरह तबाह हो जाता है और रॉबिन्सन क्रूसो एक टापू पे पहुंच जाते हैं। उस टापू पे रॉबिन्सन क्रूसो बिल्कुल अकेले होते हैं। वहां पर रॉबिन्सन क्रूसो के अलावा और कोई इंसान नहीं रहता था। उस वक्त रॉबिन्सन क्रूसो अपना मन बनाते हैं कि वह समुद्र में तैरते हुए अपने डूबते हुए जहाज तक जाएंगे और वहां से कुछ काम का सामान लेकर वापस टापू पर आएंगे, जिससे टापू में रहने में उनकी सहायता हो। सो कम अलोंग फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर। आई प्लंज्ड इनटू द सी एंड मेड फॉर द शिप। इस पैराग्राफ में रॉबिन्सन क्रूसो हमें बताते हैं कि वह समुद्र के अंदर कूद जाते हैं और अपने डूबते हुए जहाज की तरफ तैरना शुरू कर देते हैं। At last, after a hard swim, I managed to reach it. किसी तरह वह अपने डूबते हुए जहाज तक पहुंच जाते हैं, पर वहां पे पहुंचना उनके लिए बहुत ही मुश्किल रहता है। वहां तक तैरना एक आसान काम नहीं होता। I discovered a rope hanging over the side. जब वह जहाज तक पहुंच जाते हैं तो उनको दिखता है कि जहाज की एक तरफ एक रस्सी ऊपर से लटकी हुई है। With great difficulty, I pulled myself up the rope and reached the deck. बहुत ही मुश्किल से रॉबिन्सन क्रूसो उस रस्सी के सहारे से अपने आप को जहाज के ऊपर तक खींच पाते हैं। जब वह जहाज के ऊपर डेक पर पहुंच जाते हैं तो जो वह देखते हैं वह काफी आश्चर्यजनक, काफी सरप्राइजिंग होता है। Before we proceed further, let's understand what a deck means. Deck का मतलब होता है एक ship का floor, especially the upper floor of a ship. मतलब कि deck होता है एक जहाज का ऊपरी भाग, या फिर हम कह सकते हैं एक जहाज की छत। The storm had damaged everything. There were broken masts and torn sails and pieces of rope all over the ship. जहाज की छत पर पहुंचकर रॉबिन्सन क्रूसो ने देखा कि तूफान के अंदर वह जहाज पूरी तरह डैमेज हो चुका था। जहाज के मास्ट्स यानी कि मस्तूल और सेल्स यानी कि पाल टूटकर इधर उधर गिरे हुए थे। रस्सियां भी टूटकर इधर उधर जहाज पर बिखरी हुई थी। I went down into the cabins and found an axe. रॉबिन्सन क्रूसो जहाज के निचले स्थल में जो कैबिन्स, जो कमरे थे, वहां पर गए और वहां से वह एक कुल्हाड़ी ढूंढकर लाए। On deck again, I cut the masts and ropes and made myself a small raft. फिर वह कुल्हाड़ी लेकर रॉबिन्सन क्रूसो वापस जहाज की छत पर आए और मास्ट्स और रोप्स को कुल्हाड़ी से उन्होंने काट कर अपने लिए एक राफ्ट बनाया। राफ्ट का मतलब होता है एक बेड़ा या पटेला। एक राफ्ट को कुछ लकड़ियों को रस्सी से इकट्ठे बांधकर बनाया जाता है। यह पानी पर तैरता है और इसे एक नौका की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। I managed to get this raft into the sea and tie it to the vessel with a rope. किसी तरह रॉबिन्सन क्रूसो ने अपने बनाए गए राफ्ट, अपने बनाए गए बेड़े को समुद्र में उतारा और फिर एक रस्सी के सहारे से उन्होंने उस बेड़े को, उस राफ्ट को जहाज से बांध दिया। यहाँ पर वेसल शब्द रॉबिन्सन क्रूसो के डूबते हुए जहाज के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिससे उन्होंने अपने राफ्ट, अपने बेड़े को बांध दिया था। इन पिक्चर्स में आप एक राफ्ट को देख सकते हैं
ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि एक राफ्ट वाकई होता क्या है। इस राफ्ट का इस्तेमाल करते हुए रॉबिन्सन क्रूसो अपने डूबते हुए जहाज से काफ़ी सामान इकट्ठा करके अपने टापू तक ले जाते हैं। तो चलिए हम भी चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। आई फाउंड सम ऑफ द सीमेंस बॉक्सेस ऑन बोर्ड एंड फिल्ड देम विद स्टोर्स, ब्रेड, राइस, चीज एंड सम वाइन। रॉबिन्सन क्रूसो को जहाज पर कुछ सीमेंस बॉक्सेस यानी कि काफ़ी बड़े बड़े संदूक मिलते हैं। उन संदूकों के अंदर सबसे पहले वह खाने का राशन भरते हैं। तो उन संदूकों को वो ब्रेड, चावल, चीज़ और कुछ वाइन की बोतलों से भर लेते हैं। आई ऑल्सो फाउंड सम क्लोथ्स एंड इन द कैप्टन्स कैबिन टू गन्स, अ पेयर ऑफ पिस्टल्स एंड सम पाउडर एंड शॉट। रॉबिन्सन क्रूसो को जहाज पर कुछ कपड़े मिले और जब वह जहाज के कैप्टन के कैबिन मतलब कि जहाज के कैप्टन के कमरे में गए तो वहाँ पर उनको दो गन्स, दो पिस्टल्स और कुछ बारूद भी मिला। इन सब चीज़ों को रॉबिन्सन क्रूसो ने अपने राफ्ट यानी कि अपने बेड़े पे इकट्ठा करके रख लिया। फिर उन्हें एक ब्रोकन ओर मिला। ब्रोकन ओर का मतलब हुआ टूटा हुआ चप्पू, और उसकी मदद से उन्होंने अपने राफ्ट, अपने बेड़े को खेना शुरू किया। अपने बेड़े की मदद से वह उन सब चीज़ों को अपने टापू तक ले जा पाए, और जब वह समुद्र तट पर पहुँचे तो उन्होंने सारा का सारा सामान जो वह लाए थे उसको टापू की अंदर की तरफ रखा, क्योंकि अगर वह उसको समुद्र तट पर छोड़ देते तो लहरों से सामान या तो ख़राब हो जाता या फिर वापस समुद्र के अंदर खींचा जाता। Now let's read further and see what happens next. The next morning, I walked along the shore and up a little hill. Robinson Crusoe हमें बताते हैं कि अगले दिन कुछ देर के लिए वह समुद्र के किनारे सैर करते रहे और फिर वह एक छोटी सी हिल मतलब कि एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए। From there I could see that I was on an island. उस पहाड़ी के ऊपर से वह यह देख पाए कि वह एक छोटे से टापू पर थे। I was a prisoner without a friend in the world. उस समय रॉबिन्सन क्रूसो को ऐसा लगा कि मानो वह उस टापू पर एक कैदी थे और उनको वहाँ पर बिल्कुल अकेले रहना था, बिना किसी दोस्त, बिना किसी परिवार के। There was no one living on the island but wild beasts. उनके अलावा उस टापू पर कोई भी इंसान नहीं रहता था, वहाँ पर सिर्फ वाइल्ड बीस्ट्स मतलब कि जंगली जानवर थे। The next day I went back across the sea and brought more stores from the ship. अगले दिन वह अपने बेड़े, अपने राफ्ट की मदद से एक बार दोबारा अपने डूबते हुए जहाज की ओर गए। उस जहाज से वह अपने लिए कुछ और सामान लेकर वापस आए, जैसे खाने का राशन, पहनने के लिए कपड़े और ऐसी ज़रूरत की चीज़ें। Every day I toiled. Toiled का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मेहनत से काम करना। हर दिन रॉबिन्सन क्रूसो बहुत ही मेहनत से वापस अपने डूबते हुए जहाज पर जाते, वहाँ से काम का सामान इकट्ठा करते और उस सामान को वापस अपने टापू पर लेकर आते। I brought tools, wood, rope, nails, sails and clothes, guns and ammunition and sugar and flour and bread. रॉबिन्सन क्रूसो अपने जहाज से बहुत सारा सामान अपने टापू पर लेकर आए, जैसे कि लकड़ी, औजार, रस्सी, कील, कपड़े, अपने लिए गन्स और बारूद, चीनी, आटा, ब्रेड एक्सेट्रा। इन वन ऑफ द वुडन बॉक्सेस आई फाउंड गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। एक दिन जहाज पर एक लकड़ी के बक्से में रॉबिन्सन क्रूसो को
सोने और चांदी के सिक्के मिले। द सनशाइन मेड देम स्पार्कल, सूर्य की किरणों के नीचे वह सोने और चांदी के सिक्के बहुत ही सुंदर तरीके से चमक रहे थे। व्हाट यूज आर यू टू मी, आई आस्क्ड। एवरीवन इन द वर्ल्ड डिजायर्स यू बट मी। उन सिक्कों को देखकर रॉबिन्सन क्रूसो यह कह पड़े कि उन सोने और चांदी के सिक्कों का उनके पास क्या काम था। दुनिया में हर कोई सोना और चांदी पाना चाहता है, पर उनके मन में सोने और चांदी को पाने की अब कोई इच्छा नहीं थी। यह इसलिए था क्योंकि वह एक टापू पे बिल्कुल अकेले रह रहे थे, तो ना सोना चांदी वह किसी को दिखा सकते थे, ना किसी को बेच सकते थे, तो उनके लिए सोने और चांदी की कोई वैल्यू नहीं थी। When I got back to my island, I noticed that the sky was black. उस दिन जब रॉबिन्सन क्रूसो वापस अपने टापू पर पहुंचे, तो उन्होंने यह देखा कि आसमान बिल्कुल काला हो गया था। Great clouds rolled up from the west. The rain poured down. आसमान बहुत बड़े बड़े बादलों से भर गया था जो कि वेस्ट डायरेक्शन से आ रहे थे, और बहुत ही ज़ोर से बारिश भी होने लगी। द रेन पोर्ड डाउन का मतलब होता है कि बारिश बहुत ज़ोर से होने लगी। आई सॉ द शिप आउट एट सी राइज एंड देन सिंक बीनीथ अ ह्यूज वेव। फिर रॉबिन्सन क्रूसो ने देखा कि समुद्र में उस दिन एक बहुत ही बड़ी लहर उठी, जिसके साथ पहले तो उनका जहाज़ ऊपर की ओर उठा, पर उसके बाद वह समुद्र में पूरी तरह डूब गया। ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आई बिजीड माई सेल्फ इन मेकिंग अ हाउस विद अ स्ट्रॉन्ग स्टॉकेड राउंड इट। फिर रॉबिन्सन क्रूसो ने उस टापू पर अपने लिए एक घर बनाना शुरू किया। उस घर को बनाने में उनको कुछ महीने लगे, जिसमें वह बहुत बिजी रहे। उन्होंने अपने घर के आसपास एक स्ट्रॉन्ग स्टॉकेट बनाया। स्टॉकेट का मतलब होता है फेंस। तो उन्होंने अपने घर के आसपास एक बहुत ही मजबूत बेड़ा बनाया ताकि जंगली जानवर उनके घर के अंदर ना आ सके। आई यूज्ड वन ऑफ द सेल्स फ्रॉम द शिप फॉर द रूफ। रॉबिन्सन क्रूसो हमें बताते हैं कि उन्होंने अपने घर की छत अपने जहाज के एक सेल यानी कि एक पाल से बनाई। I cut down tree trunks and carried them to the house and slowly built a strong stockade to keep out wild animals. उन्होंने आसपास के पेड़ों को काटा और उसके बाद उनको वह ढोकर अपने घर तक लाए। फिर उन पेड़ों की लकड़ी को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने घर के आसपास एक बहुत ही मजबूत फेंस यानी कि एक बहुत ही मजबूत बेड़ा बनाया ताकि जंगली जानवर उनके घर के अंदर ना घुस सकें। इन सब बातों से हमें यह पता चलता है कि रॉबिन्सन क्रूसो एक बहुत ही मेहनती इंसान थे। वह बहुत समझदार थे और वह मुश्किल परिस्थितियों में भी हार नहीं मान रहे थे, परंतु अपने जीवन को अच्छी तरह जीने की कोशिश कर रहे थे। द मंथ्स पास्ड इन हार्ड वर्क। रॉबिन्सन क्रूसो को अपना घर बनाने में कुछ महीने लगे और उन महीनों में रॉबिन्सन क्रूसो ने बहुत ही मेहनत की। वन डे आई सेट आउट टू एक्सप्लोर द होल आइलैंड। फिर एक दिन रॉबिन्सन क्रूसो उस टापू का एक राउंड लेने के लिए निकल पड़े ताकि वह उस टापू की पूरी तरह छानबीन कर सके और उसके बारे में अच्छी तरह जान सके। द जर्नी टुक मी 3 डेज। उस टापू का पूरा मुआयना करने में रॉबिन्सन क्रूसो को 3 दिन लगे। When I got to the other side of the island, I found a delightful valley. जब रॉबिन्सन क्रूसो टापू की दूसरी ओर पहुंचे, तो उन्हें वहां पर एक बहुत ही सुंदर घाटी मतलब कि एक बहुत ही सुंदर वैली दिखी। There were wild grapes and limes, and I collected a quantity of these and took them back to my house. उस घाटी में
रॉबिन्सन क्रूसो ने जंगली झाड़ियों पर नींबू और अंगूर उगते हुए देखे। उन्होंने अपने लिए बहुत सारे अंगूर और नींबू इकट्ठे किए, जिन्हें लेकर वह वापस अपनी घर की ओर चले गए। One day in the forest not far from my house, I found some wild goats. एक दिन जंगल में रॉबिन्सन क्रूसो ने कुछ जंगली बकरियां देखीं, जो कि उनके घर से काफ़ी दूर नहीं थीं। I was just about to shoot one when I saw at my feet a baby goat. रॉबिन्सन क्रूसो एक बकरी को शूट करने वाले थे, पर उसी समय उन्होंने अपने पैरों के पास एक छोटा सा मेमना, यानी कि एक छोटा सा बकरी का बच्चा देखा। I picked it up and carried it home with me. रॉबिन्सन क्रूसो ने उस मेमने उस छोटी सी बकरी के बच्चे को उठा लिया और उसे लेकर वह अपने घर चले गए। In a few days it became quite tame and after that it never left my sight. टेम का मतलब होता है domesticated. कुछ दिनों में वह बकरी का बच्चा, वह मेमना पूरी तरह पालतू हो गया और उसके बाद वह हमेशा रॉबिन्सन क्रूसो के आसपास दिखता। After a year or two on the island, I decided to make a small boat. जब रॉबिन्सन क्रूसो को उस आइलैंड पे, उस टापू पे रहते हुए लगभग एक या दो साल हो गए थे, तो उन्होंने यह मन बनाया कि वह अपने लिए एक छोटी सी बोट, एक छोटी सी नाव बनाएंगे। I chose the wood carefully and cut and worked the timber for many months. रॉबिन्सन क्रूसो ने अपनी नाव के लिए लकड़ी का चयन बहुत ही ध्यानपूर्वक किया। जब बहुत ध्यान से उन्होंने अपने नाव के लिए लकड़ी चुन ली, तब उस पर उन्होंने बहुत महीनों तक काम किया, ताकि जब उनकी नाव बनकर तैयार हो तो वह बहुत मजबूत हो। I made a sail from some of the canvas I had brought on shore from the ship, and with a good wind, the boat sailed well. अपनी नाव के लिए रॉबिन्सन क्रूसो ने उस सेल का, उस पाल का इस्तेमाल किया जिसे वह अपने डूबते हुए जहाज से लेकर आए थे। जब हवा बहुत अच्छे से बहती, तब उनकी नाव, उनकी बोट समुद्र पे बहुत अच्छी तरह चलती। I taught myself how to make pots out of mud and how to make them hard and durable by burning them. उस टापू पर रॉबिन्सन क्रूसो ने खुद ही मिट्टी से बर्तन बनाने सीखे और उन्होंने उन बर्तनों को आग में जलाकर पक्का भी किया। I grew some corn and rice and also some wheat and I taught myself to make bread. उस टापू पर रॉबिन्सन क्रूसो ने खेती भी करनी शुरू की और अपने लिए थोड़ा सा कॉर्न, राइस और वीट उगाया। उन्होंने खुद ही ब्रेड बनानी भी सीख ली। My life on the island was a happy one. रॉबिन्सन क्रूसो को यह लगता था कि आइलैंड पर, उस टापू पर उनकी जिंदगी आराम से और खुशी से बीत रही थी। I had a good house, plenty to eat and plenty of work to do. रॉबिन्सन क्रूसो ने अपने लिए उस टापू पर एक सुंदर सा, अच्छा सा घर बनाया था। उनके पास खाने के लिए हमेशा काफ़ी कुछ होता था और काम भी उनके पास करने के लिए बहुत सारा था। इस सब से हमें यह पता चलता है कि रॉबिन्सन क्रूसो एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति थे और उनकी सोच बहुत ही सकारात्मक थी। वो पॉजिटिव थिंकिंग में विश्वास रखते थे। वन डे आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द सी शोर थिंकिंग अबाउट माई होम अक्रॉस द सीज व्हेन आई सडनली लुक्ड डाउन। एक दिन रॉबिन्सन क्रूसो समुद्र के तट पर चल रहे थे और समुद्र के पार अपने घर के बारे में सोच रहे थे। तब अचानक उन्होंने नीचे की तरफ देखा। देयर ऑन द सैंड इन फ्रंट ऑफ मी was a clear footprint. It was not mine, but the footprint of another man. जब रॉबिन्सन क्रूसो ने नीचे की ओर देखा, तो समुद्र तट की रेत पर उनको एक व्यक्ति के पैरों के निशान दिखे। वह इससे आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि
क्योंकि उन्हें पता था कि वह उनके पैरों के निशान नहीं थे, वह किसी और व्यक्ति के पैरों के निशान थे। यह घटना रॉबिन्सन क्रूसो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि उस पल तक रॉबिन्सन क्रूसो उस टापू पर अकेले ही जी रहे थे। उस पैर के निशान को देखकर रॉबिन्सन क्रूसो को पहली बार यह एहसास हुआ कि उस टापू पर उनके अलावा कोई और व्यक्ति भी पहुंच चुका था। वह व्यक्ति कौन था और उसका रॉबिन्सन क्रूसो के जीवन पर क्या प्रभाव रहा, यह जानने के लिए आपको रॉबिन्सन क्रूसो की नॉवल पढ़नी पड़ेगी। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो द्वारा आपको इस चैप्टर को समझने में थोड़ी आसानी होगी। आई होप यू ऑल लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।